Next heading, Raoult's law for solution pertaining to volatile liquids. Raoult's law for solution pertaining to volatile liquids. The Raoult's law क्या बोलते हैं? Partial pressure of each component in solution is directly proportional to mole fraction of their components in the solution. ठीक है, partial pressure of each component in solution is directly proportional to their respective mole fraction present in the solution. ये इनका स्टेटमेंट है. तो देखें, बात एक सोल्यूशन है जिसमें कि दो वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है. एक वोलेटाइल लिक्विड ए है, एक वोलेटाइल लिक्विड बी है. ये सोल्यूशन आपका, ठीक है. इसमें वोलेटाइल लिक्विड ए है और वोलेटाइल लिक्विड बी. दिस सोल्यूशन कंटेन्स टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए कितना है, मानते हैं एक से. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी, वोलेटाइल लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बी होगा, ठीक है. और पार्शियल प्रेशर क्या मानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए कितना है, पी. और पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी, वोलेटाइल लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर क्या है, पीबी. इनका स्टेटमेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए लिक्विड इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन. तो देखिए, जैसे लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर पी ए है, इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है पी ए क्या होगा बताओ, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपने एक से माना, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा. पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से ना. अब इस प्रोपोर्शनल साइन बढ़ाने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर देते हैं, पी ए जीरो, पी ए जीरो एक्स से. पी ए जीरो क्या लीजिए, ये आपका प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए, प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए. जब लिक्विड ए का प्योर फॉर्म लेते हैं तो उस केस में जो उसका प्रेशर होगा वो पी ए होगा. तो पी ए क्या चीज है, प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए, ठीक है. अच्छा, हाँ, और दूसरा कंपोनेंट सोल्यूशन में कौन है बताओ, पी है. तो इसका पार्शियल प्रेशर आपने क्या माना है, पी बी. और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी. तो राउट्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज एक्स बी. सो पी बी इक्वल क्या हो जाएगा, पी बी जीरो एक्स बी, पी बी जीरो एक्स बी, ठीक है. तो पी बी क्या चीज है बताओ, पी बी जीरो इज प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड बी, प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड बी, प्योर वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है. ये चीज तो राउट्स ला क्या बताए, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड,
लिक्विड, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक ये चीज लिखिए, तो स्टेटमेंट क्या लिख देते हैं, तो स्टेटमेंट क्या वाली बोलो, इनका स्टेटमेंट चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, स्टेटमेंट और कुछ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है ना, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ईच कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, जो है जैसे मानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट इज गिवन, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स पर्जेंट इन सॉल्यूशन क्या होता है, 1 होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स पर्जेंट इन सॉल्यूशन 1 होता है ना, तो अगर मानते हैं ए का मोल फ्रैक्शन दिया गया है तो बी का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, कैसे, 1-6 से कर सकते हैं ना, या बी का दिया है तो ए का निकाल सकते हैं, तो अब ये बी को इसमें रख दीजिए क्या हो जाएगा, बी
पी भी जीरो, पी भी जीरो और वर्क माइनस सिक्स, वर्क माइनस सिक्स तो एक के मोल फ्रैक्शन दोनों मोल पर आप पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी करें।